सामरिक स्थिति हमारी निश्चित रूप से पहले से अधिक अच्छी है, दुनिया भर में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, कला क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हम सब लोग विश्व के सामने आगे बढ़ रहे हैं। हमको धीरे धीरे मानना विश्व के प्रगत देशों ने भी शुरू किया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन कार्यक्रम में संबोधन के दौरान कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव, देश की राजनीति, राजनीतिक दलों के व्यवहार और जीवन मूल्यों पर टिप्पणी की। उन्होंने अपने भाषण में दोनों पक्षों यानी एनडीए और एनडी गठबंधन के चुनावी कैंपेन के तरीके की आलोचना की, साथ ही नई सरकार और विपक्ष को सलाह भी दिया। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत की स्थिति पर भी सबका ध्यान खींचा। अपने भाषण के दौरान आरएसएस प्रमुख ने देश, समाज और राजनीतिक दलों के लिए क्या कुछ कहा, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। मोहन भागवत ने कहा कि जब भी चुनाव होते हैं मुकाबला जरूरी होता है, इस दौरान एक दूसरे को पीछे धकेलना होता है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है, ये मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। उन्होंने सभी दलों को लेकर कहा कि इस बार चुनाव ऐसे लड़ा गया जैसे ये युद्ध हो, इस बार अनावश्यक रूप से तकनीक का इस्तेमाल करके झूठ फैलाया गया, सरासर झूठ। क्या तकनीक और ज्ञान का मतलब एक ही है? जिस तरह चीजें हुई, जिस तरह से दोनों पक्षों ने कमर कसकर हमला किया, इससे विभाजन होगा, सामाजिक और मानसिक दरारें बढ़ेंगी। संघ प्रमुख ने कहा कि संसद में दो पक्ष जरूरी हैं, देश चलाने के लिए सहमति जरूरी है। संसद में सहमति से निर्णय लेने के लिए बहुमत का प्रयास किया जाता है, लेकिन हर स्थिति में दोनों पक्ष को मर्यादा का ध्यान रखना होता है। संसद में किसी प्रश्न के दो पहलू सामने आए, इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। उन्होंने सत्ता पक्ष को सलाह देते हुए कहा कि विपक्ष को विरोधी पक्ष की जगह प्रतिपक्ष कहना चाहिए। अगर कोई आपसे सहमत नहीं है तो उसे विरोधी कहना बंद कीजिए, विरोधी के बजाय प्रतिपक्ष कहिए। अपने संबोधन के दौरान आरएसएस प्रमुख ने बीजेपी के बीते 10 साल में हुए कार्यों को भी सराहा और कहा कि बीते 10 सालों में हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हुई है, इसके साथ ही सामरिक स्थिति भी बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, इसके अलावा कला, खेल और संस्कृति में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि लोगों ने अपना जनादेश दिया है, हर चीज उनके हिसाब से होनी चाहिए, कैसे होगी, कब होगी, इन सब में संघ नहीं जाता, क्योंकि समाज परिवर्तन से ही व्यवस्था परिवर्तन होता है। इस बार भी हमने अपने लोकमत जागरण का काम किया है, वास्तविक सेवक मर्यादा का पालन करते हुए चलता है, अपने कर्तव्यों को कुशलता पूर्वक करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि काम करे, लेकिन इसे मैंने करके दिखाया, इसका अहंकार हमें नहीं पालना चाहिए, जो ऐसा करता है वही असली सेवक है। मोहन भागवत ने कहा कि हमारे देश पर कई विदेशियों ने राज किया, इस दौरान विभिन्न कारणों से हमारे कई भाइयों ने उनके विचारधारा को अपना लिया। जो बाहर की विचारधारा है उसकी प्रकृति ऐसी है कि हम ही सही हैं, बाकी सब गलत है, अब उसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि वह आध्यात्मिक नहीं है। इन विचारधाराओं में जो अध्यात्म है उसको पकड़ना पड़ेगा। भागवत ने कहा कि सभी को यह मानकर आगे बढ़ना चाहिए कि यह देश हमारा है और इस भूमि पर जन्म लेने वाले सभी लोग हमारे अपने हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अतीत को भूल जाना चाहिए और सभी को अपना मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि जातिवाद को पूरी तरह से खत्म किए जाना चाहिए, साथ ही आरएसएस पदाधिकारियों से समाज में सामाजिक सद्भाव की दिशा में काम करने को कहा। आरएसएस जी भागवत ने मणिपुर की स्थिति पर जिक्र करते हुए शांति बहाल की अपील की। उन्होंने कहा कि मणिपुर एक साल से शांति की राह देख रहा है, इससे पहले 10 साल शांत रहा और अब अचानक जो कलह वहां उपजी या उपजाई गई, उसकी आग में मणिपुर अभी तक जल रहा है, इस पर कौन ध्यान देगा। उन्होंने कहा कि इस समस्या को प्राथमिकता के साथ सुलझाया जाना चाहिए,